सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज, अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर कार को टक्कर मारते हुए गणेश पंडाल में घुसा, महिला की मौत, नातिन सहित एक अन्य घायल। महोबा जनपद के कबरे में थाने के पास तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर सड़क किनारे खड़ी एक कार में टक्कर मारते हुए गणेश पंडाल में जा घुसा, जिसकी चपेट में आकर एक वृद्ध महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी 12 वर्ष की नातिन सहित एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इससे आक्रोशित स्थानीय लोगों ने कानपुर सागर हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से भी स्थानीय लोगों की झड़प देखने को मिली है। तकरीबन 1.5 घंटे तक हाईवे जाम होने से छोटे बड़े 100 से अधिक वाहन जाम में फंसे रहे। SDM और CO के नेतृत्व में बमुश्किल पुलिस ने जाम खुलवाते हुए मामले को शांत कराया। दरअसल यह घटना जनपद के कबरई थाना कस्बा की है। थाने से चंद कदम की दूरी पर स्थापित गणेश पंडाल में तेज रफ्तार डंपर घुसने से हादसा हो गया। बताया जाता है कि कबरई थाने के पास ओवरलोड एक डंपर तेज रफ्तार जा रहा था। डंपर इतना रफ्तार से था कि चालक उससे अपना नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे खड़ी कार में जोरदार टक्कर मारते हुए गणेश पंडाल में जा घुसा। हादसे को अंजाम देकर डंपर चालक मौके से फरार हो गया, जबकि इसकी चपेट में आकर 62 वर्ष की वृद्ध महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जाता है कि कबरई के आजाद नगर में रहने वाली 62 वर्ष की शकुंतला उर्फ छक्को पत्नी बल्दू अपनी नातिन खुशी के साथ गणेश पंडाल पर आई थी, तभी डंपर ने उसे बुरी तरीके से रौंद दिया और गणेश पंडाल भी तहस नहस कर डाला, जिससे वृद्ध महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी नातिन खुशी सहित कार चालक मोदहा कस्बे का रहने वाला वरदानी घायल हुआ है। भीषण सड़क हादसा देख स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और थाने के बाहर ही कानपुर सागर हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन करने लगे। ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन तकरीबन 1.5 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान जाम खुलवाने पहुंची पुलिस के बीच तीखी झड़प देखी गई। मौके पर SDM सदर जितेंद्र कुमार और CO सिटी राम प्रवेश राय सहित 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बमुश्किल आक्रोशित लोगों को समझाकर जाम खुलवाया है। मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी हाउस भेज दिया गया है, जबकि घायलों का इलाज किया जा रहा है। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी मनोज कुमार भी जिला अस्पताल पहुंच गए और मृतक महिला के परिजनों से मुलाकात करते हुए उन्हें ढांढस बंधाया और हर मदद का भरोसा दिया। लेके यहाँ से महोबा साइड जा रहे थे, इतने में एक ठेला वाला आ रहा था, हमने साइड में खड़ी कर ली और उसने बस सीधा हमें मारा। मारने के बाद में सीधा यहाँ ले गया अंदर साइड में। दो तीन जी कितनी स्पीड रही होगी गाड़ी की? उसकी स्पीड थी ठेला की कम से कम 40-50 की स्पीड थी। क्या ओवरलोड था, क्या था उसमें? उसमें मिट्टी लदी थी और उसने हमारी चार पहिये की पूरी हालत खराब कर दी, पूरी चार पहिये चौकन्ना कर दी और हम भी मरने से बचे हैं। हम चिटक के उस साइड भागे हैं तो हमारी भी चोट आ गई है, ये कांच चिटक के लगे हैं। गणेश पंडाल पे जब घुस गया तो कितने लोग? दो लोग को मैंने देखा, दो लोग उसमें खत्म हो चुके हैं और नहीं साफ देख पाया। घायल भी है कुछ? हाँ, घायल मालूम नहीं है सर, मैंने देखा नहीं है, बाकी मैं अपने आप को देख रहा था, मैं ऊपर वाले फरियाद कर रहा था, मैं बच गया सर। मैं सर अभी थोड़ी देर पहले 20-25 मिनट पहले हुआ है ये कबरई। कहाँ होगा हादसा? कहा होगा या ठेला में आई है आवती बाजार से, ठेला में साहब दब गए, नातन रहा एक हम और कहाँ आई थी? हिम बाजार में थाने के सामने यही हुई सर। क्या हुआ तुम कब हो? अम्मा तो साहब अब चलो आवत हूँ, अब बतावत है जी ले गई है कहूँ कहाँ। पूजा पूजा करने आई थी? हाँ, सामान लेने आई थी। कुछ साथ में कौन था? नातन थी। हाँ, उसका कहते अस्पताल में है बाबूजी, में तो नहीं देखो आदमी और लोग तो नहीं थे? हाँ, नहीं तो साथ में। ट्रक के पंडाल में घुसने से शकुंतला वाइफ ऑफ बल्दू सेन उम्र लगभग 65 साल की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। एक बच्ची घायल है जिसे जिला चिकित्सालय महोबा भेज दिया गया है। अब उसकी हालत चिंताजनक नहीं है, ठीक ठाक है, इलाज चल रहा है। उनके मुख्य मांग थी कि बाईपास लगभग तैयार है तो जो हैवी वाहन हैं वो बाज़ार से ना जाके बाईपास से जाएं तो दुर्घटनाएं कम होंगी। तभी बाईपास निर्मित होने में कुछ बाकी है, 100-200 मीटर का निर्माण बाकी है। उनको बताया गया कि जैसे ही बाईपास पूर्ण हो जाएगा यहाँ भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया जाएगा। सर ये जो हाईवे जाम था इसकी स्थिति क्या है? अभी जाम खुल गया है सर। ये हादसा हुआ है इसमें कुछ किसी तरीके का परिवार को अभी तो मोटर वाहन वाला ही कलम मिलेगा। अगर इनके नाम जमीन रहेगी तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से 5 लाख रुपए मिलेगा। अगर जमीन रहेगी तब ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। हाँ, जमीन हिरासत में है ड्राइवर। क्या लगता है सर इसकी क्या लापरवाही रही पंडाल में?
अब वो तो उस समय देखने से पता चले, पहले हुआ कि उसने कार को धक्का मारी बुरी तरह से, उसके बाद अनियंत्रित होकर पंडाल में घुस गया।